इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब इंदौर वाले महाकाल के दर्शन कर समय पर लौट भी पाएंगे और जो कर्मचारी, व्यवसायी, श्रमिक साथी रोज अप डाउन यात्रा करते हैं उनको भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे, दुर्घटना का डर, ये सब कुछ, यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था, मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया, चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। साथियों, देश के सामान्य मानवी को आधुनिक अनुभव देने का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसके लिए जो परिश्रम दिन रात किया जा रहा है, उसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड, देश का पहला पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। आधुनिक टॉयलेट, बेहतरीन खाना पीना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, म्यूजियम, गेमिंग जोन, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विकसित की जा रही है। इसमें भारतीय रेलवे का पहला सेंट्रल एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं और खास बात यह भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की, ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्स पेयर को, देश के मध्यम वर्ग को हमेशा उम्मीद रही है। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। रेलवे स्टेशन्स के पूरे इकोसिस्टम को इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज देश के 125 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज भारत आने वाले वर्षों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आए।